हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का डेफिनेशन है, ईओक्यू इज द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। ईओक्यू होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ये विल्सन ने, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था विल्सन, उन्होंने ये फार्मूला हमें दिया था। इसमें उन्होंने ये फार्मूला दिया था कि 2 into A into O डिवाइडेड बाई सी पे होल रूट। ए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट। ओ क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और सी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो उन्होंने इस फॉर्मूला के थ्रू ये बताया था कि अगर किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में जितने भी यूनिट्स या फिर जो भी वहाँ का रॉ मटेरियल है, उसकी रिक्वायरमेंट जो भी है एनुअल रिक्वायरमेंट, उसे हम कितने क्वांटिटी में मंगाएं, यानी कि जो हम लोग मटेरियल की ऑर्डर दें वो उसकी साइज़ क्या हो, उसकी साइज़ क्या हो कि आपको मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट बेयर करना पड़े इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट बेयर करना पड़े। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 1000 kg किसी भी रॉ मटेरियल की, तो इसे मैं कितने, इसका ऑर्डर का साइज़ क्या रखूँ? क्या मैं इसे 200 kg करके मंगा लूँ साल भर में, या मैं इसे 400 kg करके किसी तरीके से मंगा लूँ, या फिर मैं 1000 kg एक बार में मंगा लूँ? कितना इसका साइज़ होना चाहिए कि मुझे कम से कम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बेयर करना पड़े, और जो लाने का खर्च होगा, जो मेरे मटेरियल की कॉस्ट होगी वो तो होगी, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो और कम से कम इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को बेयर करना पड़े। चलिए मैं आता हूँ अब एक प्रैक्टिकल सेंस में जिसके थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि आखिर हम ईओक्यू को कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि अगर मेरे कोई भी रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, एनुअल रिक्वायरमेंट, तो मैं उसे कैसे कैसे उस रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री में मंगाऊँ। तो जैसे जैसे मंगाऊँगा, मैं मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि कम से कम कॉस्ट मेरे फैक्ट्री को या मेरे इंडस्ट्री को बेयर करना पड़े। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। एनुअल रिक्वायरमेंट जो है, जिसे मैं ए से डिनोट करूँगा, ये मान लेता हूँ कि ये 10000 kg मुझे लगेगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं अभी इसका मतलब बताऊँगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है जो ईओक्यू में इस्तेमाल होता है, इसे मैं ओ से डिनोट करूँगा, ये है 50 रुपये पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन, ये अक्सर परसेंटेज में दिया रहता है क्वेश्चन में कि 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ऑन एवरेज इन्वेंट्री। मैं इसका भी मतलब बताऊंगा आपको कि ये क्या है, कि कैरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं। और फिर इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी दिया रहे, जो है, यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ 2 रुपये। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, अगर आपको ईओक्यू पढ़ना है तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इसे कहते हैं कि अगर ये मेरा सप्लायर का स्टोर है और ये मेरी फैक्ट्री है या मेरी इंडस्ट्री है, कुछ भी है, तो मैं सप्लायर के पास से जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल ले करके आऊँगा, तो जो लाने में जो खर्च आएगा, वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, वो इंस्पेक्शन का खर्चा हुआ, ये जो जितने भी खर्चे जो लाने में मुझे लग रहे हैं, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएंगे, ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। अब मैं जो रॉ मटेरियल लेके आया अपने फैक्ट्री में या अपने इंडस्ट्री में, तो मैं उसे स्टोर भी तो करूँगा, वो लाते साथ ही गुड्स बनने में लग नहीं जाएंगे, बल्कि उसे मैं लाऊँगा तो वो उसे मुझे रखना होगा, तो उसके लिए मैं रेंट पे करूँगा, और उसके लिए मैं कुछ इंश्योरेंस भी करा सकता हूँ। ये सब जितने भी खर्च होते हैं वो उसे मैं कैरिंग कॉस्ट कहा जाता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में, अगर ये मेरा 10000 kg एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसे कितने हिस्से में तोड़ करके मंगाऊँ साल भर में कि मुझे कम से कम कॉस्ट बेयर करना पड़े। तो चलिए मैं ईओक्यू का फॉर्मूला लिखता हूँ। टू इंटू टेन थाउ
10,000 केजी है मेरे एनुअल रिक्वायरमेंट, और 50 रुपये पर ऑर्डर मुझे बेयर करना पड़ रहा है, और ये जो है 2 × 8% होगा कैरिंग कॉस्ट। तो आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर आएगा 2,500 केजी। यानी कि मैं जो ये 10,000 केजी है एनुअल रिक्वायरमेंट, मैं इसे 2,500 यूनिट केजी करके मंगाऊंगा, तो इससे क्या होगा, मुझे कम से कम कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसे अगले क्लास में मैं प्रूफ भी करूँगा कि कैसे कम से कम कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। अगर आप इससे इस ऑर्डर साइज से अगर आप नीचे आते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1,500 केजी, या फिर आप इसे अवॉइड करके 3,000 केजी आप अगर ले करके आते हैं, तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेयर करना पड़ सकता है, और ये आपके इंडस्ट्री या फैक्ट्री के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो इसी वजह से अब कॉस्ट कटिंग तो आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसी वजह से कैसे मैं कम से कम कॉस्ट बेयर करूँ, तो मुझे 2,500 केजी करके इस सामान को 10,000 केजी जो मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट है मुझे उसे लाना होगा। अब हम और आगे भी पढ़ते हैं, जैसे कि अगर मैं 2,500 केजी करके मैं सामान को मंगा रहा हूँ और मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 है, तो मुझे कितने ऑर्डर देने होंगे, जो नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे कितने देने होंगे। तो इसके लिए आप EOQ जो 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 कुछ आया है और एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ आप कर लीजिएगा, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, 10,000 केजी है मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट और 2,500 मेरी EOQ है, तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देने होंगे, फोर ऑर्डर्स देने होंगे। यानी कि मैं 4 ऑर्डर में इन सामान को मंगाऊंगा, तो मुझे कम से कम कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा और मुझे इतने केजी मंगाना होगा एक बार में, यानी मेरी जो ऑर्डर की साइज़ है वो 2,500 केजी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और हम आगे क्लास में और भी ज़्यादा इसे इनडेप्थ पढ़ेंगे। थैंक यू।